क्या हो रहा है? चाय बन गई और क्या हो रहा है? ऐसा सुबह सुबह आपको तो चाय का नशा है। तो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा सी हूँ। तो वेलकम हो गया आप लोग का सभी कभी ब्लॉग में। अभी मैं चाय बन गया था, देखिए। तो आइए जलेबी खा लीजिए, मॉर्निंग सुबह सुबह जलेबी आइए। और चाय, कबीर का चाय, जलेबी। आज सुबह मीठा से शुरुआत करते हैं, आज शुक्रवार है, जुमा के दिन है, तो आज मुंह मीठा करके सुबह की शुरुआत करते हैं। घोर अन्याय है, घोर अन्याय है। देखो फ्रेंड, इतना महंगा जामुन हो गया है। ले लो ना, ले लो, 400 रुपये के जी। हाँ, 200 रुपये के जी है ना? 200 भी नहीं है, किलो में 150। एक पाव लेने, एक पाव। एक कितने में दे है? 30 रुपया। मीना मस्त वीडियो आ रहा है। अच्छा देखते हैं। अच्छा आप देखते हैं। को उठाना ना हाथ में। अरे वो खजूर बोला हूँ। बाहर आ धूप में थोड़ा। जामन है थोड़ा इधर बाहर आओ। और अन्याय है, हर चीज में महंगाई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बाजार के अंदर, के बाद मिलते हैं आपसे। आओ, अरे वो खीरा लेना, गाजर लेना। आधा किलो ले लेना। आओ, मस्त सब्जी है यार, इसका हरा हरा एकदम, बस जमा के रखा है। तो महंगा भी है, सस्ता नहीं मिल रहा कुछ भी। क्या चीज? सस्ता तो महंगा। अरे बाप रे, है ना? हां ले लो। और परिवार कैसे दिए? परिवार आदमी हां आपको जाओ जरा ले। परवल नहीं लेना, मटर भी। मटर दे जरा, मटर कैसे गल जाएगा? तो गलेगा नहीं। मशरूम भी रखे हो? ये टमाटर, ये मटर है, 100 रुपये के जी। मस्त है यार, ले लीजिए, एक पैकेट ले लीजिए, इसको भी दे दीजिए। वाह वाह, दुकान है, क्या नाम है? लकी। आप लोग भी शॉपिंग कीजिए लकी स्टोर से, आपको हर सब्जी ताज़ा ताज़ा दे देखिए, सारे सामान ताज़ा और अच्छा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, मशरूम स्वीट कॉर्न, टमाटर, सारे सब्जी आपको ताज़ा ताज़ा मिलेंगे। बहुत बड़ा स्टॉल, दुकान है। समीना देखना, एक तो फल दिखाना इधर। ड्रैगन फल 80 रुपये के जी। गाय मेरे को सस्ता लगाइए थोड़ा।
मैं सच बोलूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। दो ही जन है खाने वाले, 2 किलो ले का करूं? हो गया समीना, कुछ बोलो। क्या बोलूं गाइस, बोरन में आई है बहुत ज्यादा महंगा, हर चीज महंगा। वही तो बोल रही हूँ, हर चीज महंगाई, इतना महंगाई, महंगाई कम करो, कम करवाओ गाइस। देखिए फिर भी हम लोग कम में खा रहे हैं, इतनी महंगाई में 20-25 रुपए कम लगा दे हैं, हमारे माँ जैसी है। देखिए इसको कटवा के लेना, ठीक है। और 1 किलो काटना है, 1 किलो अरे भैया मस्त देते हैं, ऐसा बात नहीं। ठीक, दोस्तों हम आ गए हैं यासीन भाई की दुकान पे, हो रहे हैं भाई। ₹250 और हल्दी पाउडर 5 किलो चावल 1 किलो शक्कर। आओ ये दोस्तों लक्की किराना दुकान में हम लोग आए हैं। अब तीनों पड़े सबों पड़े नाम अशोक किराना दुकान पे हम लोग आए हैं। और ये देखिए यहाँ क्षेत्र में सबसे सस्ता सामान यहीं पे आपको मिलेगा। कबीर का फेवरेट दुकान है। तो ये दोस्तों देख लीजिए आज का मेरा मार्केट, मैंने तो आप लोगों को मार्केट दिखाया। तो ये मेरा रहा जाम, बहुत महंगा मिला, 50 रुपया पाव, 200 रुपये केजी। और ये रहा ड्रैगन, ड्रैगन फ्रूट है, 80 रुपया दिया ड्रैगन फ्रूट। और ये रहा खीरा, क्या क्या लाए हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ड्रैगन फ्रूट है, ये काला ब्लैक जाम है, और ये अमरूद, ये देखिए ये अमरूद है, और मैं पलवल ली हूँ, और ये खीरा 1-1 केजी है, और ये ग्रीन मटर पलाव बनाने के लिए, इसका रेसिपी भी आपको देंगे। और क्या ली हूँ, ये रहा हल्दी पाउडर, सॉरी ये मिर्ची पाउडर पाव है, ये हल्दी पाउडर पाव है, और ये 1 केजी शक्कर, 5 केजी चावल, 5 केजी चावल, ये बारीक वाला चावल है, हम यही वाला खाते हैं। और ये खरबूजा, ये देखो ये है खरबूज। तो आज हमने ये मार्केट किया, ये पुदीना जो पुलाव बिरयानी में तो पड़ता ही छे, और छाछ भी बनाने में काम आता है। तो आज हमने ये मार्केट किए थोड़ा बहुत। और ये रहा मेरा चिकन, चिकन वाले भैया के तो बहुत मजा आया, कैसे करके उनका इतना मुर्गी चिकन काट रहे थे ना, मेरे को तो बड़ा एकदम दहशत लग रहा, मुर्गी छटपट छटपट कर, इसलिए मैं दुकान पर नहीं जाती। तो ये देखो मेरा चिकन। तो आज का मेरा ये शॉपिंग हो गया है, ये शुक्रवार का शॉपिंग है, लेकिन मैं बनाऊंगी बिरयानी मटर का, तो आपको जरूर रेसिपी दूंगी, संडे के दिन इंशाल्लाह बनाऊंगी। और ये रहा चिकन, और ये रहा फ्रूट, सब फ्रूट है, चिकन है, ये सब सब्जी है, थोड़ी बहुत लाई गई, टमाटर नहीं लिए, भूल गए, बाजार जाओ मार्केट जाओ तो कुछ ना कुछ भूल ही जाते। अब देखो टमाटर भूल गई हूँ मैं, प्याज भूल गई हूँ, और आलू तो इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गई, इनका वैसे भारी हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, भारी हो जाएगा, कैसे लेके जाएंगे, फिर दौड़ाऊँगी मैं इनको। अब मेनू बड़ा भी लाने वाले थे, मेनू बड़ा भी नहीं लाए, जल्दी जल्दी कुछ चले आए। दोस्तों ये हम लोग बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए, और आइए आप लोग भी खा लीजिए नाश्ता। ये देखिए ये अंडा है, अंडा है, ब्रेड है। मैं तो नाश्ता नहीं करूंगी, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ,
मेरा मेन्यू बड़ा नहीं आया। बटर है जलेबी है, बस इन लोगों को चाय बनाने में बुरा लगता है। आप लोग समझ गए, इन लोग को बस बोल देना कि चाय पीना है, बस इन लोग का आप देखना, इन लोगों का चेहरा कलर आप देख लेना, इन लोगों को बस चाय बनाने बोल दो। हाँ बिल्कुल, बहुत मेहनत लगता है चाय बनाने में, टेस्टी बनाओ तो सुगंध नहीं आया, तो ये नहीं है तो मीठा ज्यादा है, तो मीठा कम क्यों हो गया। ये देखिए कबीर का नाश्ता, आप देख लीजिए, आप लोग देखिए, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे को मेन्यू बड़ा खाना तो नहीं आया। अरे वो मैं भूल गया यार, गाड़ी चलाने के चक्कर में इतना सामान, ये वो लेन पेन करते करते भूल गया, इतना सारा सामान लेने के चक्कर में मैं भूल गया उसको लेने के लिए। और मैं लेकिन मैं नहीं करूँ, आप नाश्ता करने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे चाय पीने के वक्त। फिर चाय तो है गाइस, यहाँ तो है गाइस, यहाँ देखिए फ्रेंड, हमने आज अंडा आलू करी सब्जी बना ली, अंडा आलू की देखिए, अंडा आलू की सब्जी बनाई हूँ, और कबीर गए माल लाने के लिए। आज हम लोग मार्केट से थोड़ा लेट हो गया आने में, और लेट से हम लोग नाश्ता किए थे, खाने का मन है तो फिर भी मैं आकर के अंडा आलू बना ली हूँ, अब वो मार्केट से आएंगे कबीर, फिर हम लोग साथ में खाएंगे, फिर देखते हैं। मेरा खाना तो बन गया है। हाय गाइस, ये देखिए मैं आ गई हूँ दही लेकर, और समीना ये ले दही। हाँ बोलिए, समीना का मन किया दही खाने का, आइए बात की सही है। मैंने सोचा अंडा आलू दिन में खाए थे, अंडा आलू का सालन, तो मन नहीं किया खाने का, तो मैंने सोचा चलो दही दही खा लेते हैं। तो कभी तो मैं बोली मेनू बड़ा तो आज सुबह नहीं खिलाया मेरे को, तो रात में मैं दही परोसे खाऊंगी, तो ये जाकर लेके आए दही, आइए दही खा लेते हैं। ये तो लग रहा था फ्रिज का, तो देखो ठंडा ठंडा दही, वाओ दही का दम रबड़ी लग रहा दही, देखिए बहुत अच्छा दही लाई ने, कहाँ से लाई? मेरे काम तो हम अच्छे ही करते हैं, लेकिन आदमी समझता नहीं है। अब हो गया, अब आपका तारीफ, आप तो तारीफ का एकदम बौछार हो जाएगा। तो आइए हम लोग दही परोठी खा लेते हैं। कभी कभी इंसान को लाइट भी खाना चाहिए ना, और टेस्टी खाना चाहिए, वही दाल चावल रोटी सब्जी, मैंने सोचा दही परोठी खा ली, तो आइए दही परोठी खा लेते हैं। दही बहुत अच्छा है वाकई में, देखिए एकदम सूखा, एकदम हंकट होता है ना, हंकट ये फुल हंकट, देख लीजिए कैसा टेस्ट, अच्छा बहुत अच्छा। अब ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे, फिर आपका दम कितना सारा लेके आ रहे हैं, हाफ के जी जो खाएंगे फ्रिज में रख देंगे। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, चलो ना तब आइए ना खा लेते हैं। हे गाइस, चलो हम लोग खा लेते हैं दही परोठी। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक रहा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर कल मिलेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं सॉरी, सबसे पहले तो ये बात है कि आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी मेरा जमाना दही खा कर थोड़ा खराब है, लाइक कमेंट सॉरी गाइस, क्या हो रहा है मेरे को आज, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। आइए दही परोठी खा लेते हैं, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, तो फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।